हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायजूस लर्निंग ऐप के फाउंडर रविंद्रन बायजूस की। रविंद्रन बायजूस को बायजूस ऐप के फाउंडर और सीईओ है। बायजूस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बायजूस लर्निंग ऐप पर आज आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आईआईटी जेई नीट यूपीएससी जैसी सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, बायजूस पर आप इंटरनेशनल एग्जाम जैसे कि जीआरई और जीएमईटी जैसी एग्जाम्स की भी तैयारी बायजूस पर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रविंद्र बायजूस ने अपनी जॉब छोड़कर कैसे बनाई 10 बिलियन डॉलर्स यानी कि 70,000 करोड़ की कंपनी। रविंद्रन का जन्म 1980 में केरला के छोटे से गांव अजीकोड़े में हुआ था। रविंद्रन ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई मलयालम मीडियम से की। वहां पर उनका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग था। बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उनकी जॉब इंटरनेशनल कंपनी में लग गई और वो अब्रॉड चले गए। 2 साल बाद वो जॉब करते करते एक बार एक काम की वजह से उन्हें बेंगलोर आना पड़ा। वहीं बेंगलोर में उनके कुछ दोस्त कैट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो उनके दोस्तों ने मैथ्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनकी हेल्प मांगी। बाद में हेल्प करते हुए उन्होंने भी मज़े के लिए कैट की एग्ज़ाम दे दी और उसमें फर्स्ट आ गए। परंतु एमबीए में कोई भी इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो फिर से अपनी जॉब पर वापस लौट गए। कुछ समय बाद 2005 में 6 महीने के लिए वो फिर से इंडिया आए और उनके दोस्तों ने फिर से उनकी मदद मांग ली। देखते ही देखते स्टूडेंट्स बढ़ने लगे और 1000 जितने स्टूडेंट्स को उन्होंने हेल्प कर दी। स्टार्टिंग में उनकी क्लासेस फ्री होती थी, परंतु टीचिंग अच्छी लगती तो स्टूडेंट्स फीस भी पे करते थे। बाद में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनको अपनी क्लास की जगह बढ़ानी पड़ी, और कई बार तो यह भी होता था कि वो अपनी क्लास बड़े से स्टेडियम में भी लिया करते थे। फिर रविंद्रन ने सोचा कि अपनी जॉब से ज़्यादा टीचिंग में कमा रहे हैं, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और वो फुल टाइम पढ़ाने ही लगे। इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय रविंद्रन ने देखा कि इंडिया में एजुकेशन का बेस ही सही नहीं है, तो उन्होंने फिर स्कूल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और टाइम जाने के बाद कई और भी सिटी में अपने क्लासेस लेने लगे। देखते ही देखते स्टूडेंट्स इतने बढ़ गए कि 2011 में रविंद्रन ने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने थिंक एंड लर्न रखा। फिर क्या था, उनका ये वेबसाइट एक स्टार्टअप का रूप लेने लगा। बाद में और भी ग्रोथ होने के बाद 2015 में रविंद्रन ने बायजूस नाम से एक ऐप लॉन्च की, तो पहले ही साल में लगभग 60 लाख लोगों ने उसे डाउनलोड भी किया। आज तकरीबन बायजूस के 3 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है और उनमें से 85% तो डेली यूजर्स, क्योंकि बायजूस ऐप का मेन फोकस मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से समझाने का होता है। वहीं 2019 में कंपनी में कई और लोकल भाषा में भी अपनी सेवाएं स्टार्ट की। आज बायजूस ऐप में आप फ्री में भी सारे वीडियोस की हेल्प से स्टडी कर सकते हो और लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए आप उनका पेड वर्जन भी ले सकते हो। आज आप बायजूस की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक लौती एशिया की कंपनी है जिसमें मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और शाहरुख खान जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार उनके ब्रांड एम्बेसिडर है। 2020 में बायजूस की वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर्स है और वो इंडिया की थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है। रविंद्रन बायजूस की खुद की नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर्स यानी कि 8,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट में बस इतना ही दोस्तों कि एक इंसान ने खड़ी की हुई कंपनी आज 3300 लोगों को रोजगार दे रही है, और ऐसे ही अगर कंपनी ग्रोथ करती रही तो फ्यूचर में जरूर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल।